और ये हमारे स्कूल की यूनिफॉर्म है, ये हम ऊपर लटका देते हैं। देखे मैंने स्कूल शूज यहाँ पर रख दिए हैं और ये पानी है, अब इसे हम गीले कपड़े से साफ़ कर देते हैं, सुबह हम पॉलिश करके आराम स्कूल से पहन के जाएंगे। दोनों से बैग में मैंने कापी किताबें डालनी थी वो यहाँ मैंने रख दी है, अब ये हम बैग में रख लेते हैं। पहले तो राजू को ये काली मुर्गी बहुत ज़्यादा मारती थी, अब देखे दोनों की दोस्ती हो चुकी है। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप लोग फिर लोग हमसे ठीक होंगे। फ्रेंड दो दिन से मैंने वीडियो बनाई, वीडियो सुनी भाई क्योंकि हज़रत बबुल्ले शाह का मेला गया था। मैंने आपके साथ हज़रत बबुल्ले शाह का पहला और मुबारक और दूसरा और मुबारक शेयर किया है, और तीसरा और मुबारक इसलिए मैंने आपके साथ शेयर किया क्योंकि हम सब फैमिली बाहर घूमने फिरने के लिए चले गए थे, इस वजह से हज़रत बबुल्ले शाह का तीसरा और मुबारक आपके साथ मैंने शेयर नहीं किया। अभी हम घूम फिर के फारग हो चुके हैं तो मैंने कहा अपना व्लॉग यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं। और जो से हज़रत बबुल्ले शाह के सारे ग्राउंड में झूले लगे हुए थे वो भी बिल्कुल खत्म हो चुके हैं क्योंकि हज़रत बबुल्ले शाह का मेला भी चला गया और झूले भी चले गए। और हबीब हज़रत बबुल्ले शाह के तीसरे दिन भी गया था, हबीब गया था वहाँ पे बहुत ज़्यादा रश आया था, लोगों ने बहुत ज़्यादा धमाल भी डाली थी और जो उनसे कवालियाँ वगैरह भी आई थी वो भी बहुत अच्छी अच्छी पड़ी थी, और वहाँ पे लोगों ने बहुत ज़्यादा खेल भी खेले हैं और वहाँ पे चीज़ें भी बहुत ज़्यादा बांटी हैं। हबीब गया था वहाँ पे बहुत ज़्यादा रश आया था, पाँव रखने की जगह नहीं आई थी, इस वजह से शुक्र है मैं नहीं हज़रत बबुल्ले शाह के तीसरे दिन मेले पर गया क्योंकि हज़रत बबुल्ले शाह के ज़्यादातर पहले दिन और तीसरे दिन आते हैं सलाम करने के लिए। तो अभी हज़रत बबुल्ले शाह का मेला भी खत्म हो चुका है और बहुत दिन से हमारे स्कूल भी खुल गए हुए हैं। मैंने कहा आज हमारे जो यूनिफॉर्म है वो भी इसकी जगह रख देते हैं और जो हमारा बैग है उसमें किताबें रख देते हैं। बैग में से हमने किताबें निकाल ली थी क्योंकि कल हमने बैग दिया था, इस वजह से बीच से मैंने सारी किताबें निकाल ली थी। तो अब जाके बीच किताबें रखते हैं और स्कूल जाने की सारी तैयारी करते हैं। जो उनसे स्कूल की तैयारी है इस वजह से मैं कर रहा हूँ क्योंकि सुबह हमने स्कूल जाना है, जल्दी जल्दी यूनिफॉर्म सुबह डालेंगे, बैग पकड़ेंगे और स्कूल की तरफ जाएंगे। अगर हमने सारी तैयारी ना की तो सुबह हम चीज़ें ढूंढते रह जाएंगे, हमारी छुट्टी हो जानी है, इस वजह से मैंने कहा अभी सारी तैयारी कर लेते हैं। फ्रेंड्स आज की वीडियो बहुत स्पेशल आ रही है, वीडियो को लाइक सब्सक्राइब रिकमेंड करना ना भूलिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो ज़रूर लाइक सब्सक्राइब करना है ताकि मुझे हौसला अफजाई हो, आप तक मेरी नई से नई वीडियो पहुँचती रहेगी। तो अब अंदर जाके तैयारी करते हैं स्कूल की। सबसे पहले हम अंदर की लाइट जला लेते हैं, लाइट हमारी जल गई है और हमारी जो उनसी बुकें हैं ये देखें ऊपर मैंने साइड रख दी हैं, और ये मेरा बैग है पीछे मासूम भाई का, ये देखें बैग है। पहले हम यहाँ पे बैग रख देते हैं अपना बेड के ऊपर, अब हम सारी किताबें पकड़ते हैं। दोनों से बैग में मैंने कापी किताबें डालनी थी वो यहाँ पर मैंने रख दी है, ये मेरी इंक है और ये ज्योमेट्री है और ये किताबें वगैरह है, अब ये हम बैग में रख लेते हैं। देखिए अभी बिल्कुल साफ़ हो चुका है बैग, अभी हमने कल ही धोया है, अब इसमें हम सारी चीज़ें डालते हैं। पहले कापियाँ जो सी है वो साइड में रख देते हैं डिस्टर्ब वगैरह, और जो सी बुकें हैं वो हम नीचे वाले साइड में रख देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, चलो जी किताबें मैंने साइड रख दी हैं, अब हम इसमें ये डिस्टर्ब वगैरह डालते हैं। ओले एक एक करके ये डिस्टर्ब डालते हैं, ये पकड़ी नहीं जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है, अंदर भी नहीं जा रहे हैं जल्दी जल्दी, बहुत मुश्किल से डालने पड़ रहे हैं। इसे हम सीधा ही कर लेते हैं, सीधा भी नहीं खड़ा हो रहा है, इसे ऐसे ही जल्दी जल्दी डाल देते हैं बीच कापी हैं। देखिए अंदर नहीं जा रही है, बार बार नीचे गिरी जा रही हैं। ए चले जाओ, तो फाइनली इसमें मैंने बहुत ही मुश्किल से कापियाँ डाल दी हैं और बुकें वगैरह मैंने डाल दी हैं, अब हम जिप बंद कर देते हैं। चलो जी एक जिप मैंने बंद कर दी है, अब दूसरी करते हैं जिप बंद। चलो दूसरी भी कर दी है, अब इसमें हम ज्योमेट्री और इंक डाल देते हैं जो उनसे सबसे पहली है जिप। बैग हम वहाँ पे रख देते हैं जहाँ से हमने पकड़ा था, यहाँ पे हम सारे बैग रखते हैं स्कूल के। और ये हमारे स्कूल की यूनिफॉर्म है, ये मासूम भाई की है यूनिफॉर्म, ये हम ऊपर लटका देते हैं, ये मासूम भाई की पैंटे हैं, ये हम इसके साथ ही लटका देते हैं। मासूम भाई दो पैंटे छल्टे रखता है ताकि एक फट जाए तो दूसरी आराम सुकून से पहन के चला जाए। अब मेरी वर्दी आ गई है, ये मेरी स्कूल की टाई है और पेंट शर्ट है, और ये मासूम की सारी वर्दी है।
स्कूल की यूनिफॉर्म और बैग मैंने वहाँ पे रख दिया जहाँ जहाँ पे हम रखते हैं। अब जो से हमारे स्कूल के शूज हैं वो भी मैं साफ करके रख लूँ ताकि सुबह बगैर लेट हुए जल्दी जल्दी पहुँच जाए स्कूल। तो अब हम शूज साफ करते हैं। नीचे हमारे स्कूल शूज हैं, यहाँ पे पड़े हुए हैं, मैं समझा नीचे हैं। अब इससे हम बाहर लेके जाते हैं, कपड़े साफ करते हैं। देखिए कितनी मिट्टी जमी हुई है इस पर, कितने गंदे हो गए हैं, ढाई महीनों से मैंने पहना नहीं है। चलो कुछ नहीं होता, सुबह इसे पहनेंगे। अब इसे जाके हम साफ करते हैं। देखिए मैंने स्कूल शूज यहाँ पे रख दिए हैं और ये पानी है। अब इसे हम गीले कपड़े से साफ कर देते हैं, सुबह हम पॉलिश करके आराम स्कूल से पहन के जाएंगे। अभी फ़िलहाल हम कपड़े साफ करते हैं क्योंकि इस पे मिट्टी बहुत ज़्यादा जम गई है। देखिए चमकना शुरू हो गया ना। गीले कपड़े से मैंने सारी मिट्टी साफ कर ली है, देखे चमकने लग गए हैं। अब इस पर हम सूखा कपड़ा मार मार के साफ करते हैं, जो सा इस पर पानी हमने लगाया है ताकि ख़राब ना हो जाए शूज। इसे मैंने कर दिया साफ, अब इससे करते हैं। देखिए अभी मैंने सारे शूज साफ कर लिए हैं, बिल्कुल ही चमकने लग गए हैं आगे पीछे से। अब हम इसे अंदर जा कर रख देते हैं, जहाँ से हमने पकड़े हैं वहाँ पर ही हम रख देते हैं ताकि सुबह जल्दी जल्दी हम पकड़ लें। फ्रेंड्स फाइनली हमने सारी स्कूल की तैयारी मुकम्मल कर ली है। अब हम सुबह जल्दी जल्दी उठेंगे और यूनिफॉर्म डाल के स्कूल की तरफ जाएंगे। सुबह हमें ज़रा भी लेट नहीं होगी क्योंकि हमारी तो सारी मुकम्मल है तैयारी, बस मासूम भाई की यूनिफॉर्म बस प्रेस करने वाली है, वो आप ही आगे प्रेस कर देगी। आप ही मेरी पढ़ने के लिए अकेडमी गई हुई है, आप ही जानी दफ़ा बर्तन भी धो गई थी, तो अभी ये वाले बर्तन हम टोकरी में लटका देते हैं। ये देखें ये सारे बर्तन पड़े हुए हैं, ये हम टोकरी के ऊपर लटका देते हैं। सारी चीज़ें मैंने ऊपर रख दी हैं टोकरी के, देखे सारी मुकम्मल कर दी हैं। पहले बिल्कुल खाली खाली सी आती, अब भर गई है सारी टोकरी। और नीचे देखें खिलाड़ा भी बहुत ज़्यादा डल गया हुआ है, देखे तिलियाँ वगैरह भी खिलड़ी हुई हैं। नीचे हम अब झाड़ू भी लगा देते हैं, यहाँ पे झाड़ू पड़ा हुआ है। अब हम शुरू करते हैं यहाँ से झाड़ू लगाना। झाड़ू मैंने साल लगा ली है, देखिए बिल्कुल साफ हो गया बरांडा। हमारा जो सा राजू है ना, उसकी भी ऊपर मुर्गियों के साथ दोस्ती हो चुकी है। आगे हमारा राजू बोल रहा था, जाने दे रहा था आगे, लग रहा उससे ऊपर ना प्यास लगी या मुर्गियां भी ऊपर कब की बोल रही हैं। अब उन्हें ऊपर पानी भी डाल के आते हैं और दाने भी डाल के आते हैं। अब दाना पानी पकड़ के ऊपर की तरफ चलते हैं। तो उस बहन मैंने पानी भी पकड़ लिया है और ये प्लेट में दाने भी पकड़ लिए हैं, अब ऊपर की तरफ चलते हैं। अभी मैं दाना पानी लेकर ऊपर आ गया हूँ, अब अंदर मुर्गियों को डालते हैं और राजू को देखते हैं। राजू कहाँ पे, ये वाले खुडे में तो नहीं है राजू? राजू कहाँ पे गया चला, ऊपर तो नहीं है, ऊपर भी नहीं है, छत पे भी कहीं भी नहीं है, कोई बिल्ली तो नहीं रहेगी? हाँ सच, ये वाले खुडे में देखते हैं, ये वाले खुडे में ना हो। हाँ यहाँ पे है, देखे बोलना शुरू हो गया। हाँ अभी दोस्ती हो गई है आपकी, देखे बोलना शुरू हो गया। नहीं नहीं कुछ नहीं कहते, कुछ नहीं कहते, मारना ना शुरू कर दे। हम इसमें पानी डाल के जल्दी जल्दी नीचे की तरफ चलते हैं, ऐसे ना हो आके हमें ठूंगे मारना शुरू कर दे। और मैं तो आपका दोस्त हूँ, आपको मैं ही तो लाया हूँ। देखिए अब चुप कर गया, मैंने सब बताया ना कि मैं ही आपको लाया हूँ, चुप कर गया। सब पानी डाल देते हैं और दाने भी डाल देते हैं। हमारे जो सील मुर्गी है वो भी अभी तक अंडों पे बैठी हुई है, आज इससे सातवां दिन है अंडों पे। ये भी उठ के बाहर आके यहाँ पे आके दाने खा लेगी। ये हमारी देसी मुर्गी है, इसे पकड़ के ये वाले खुडे में डालते हैं, देखते हैं राजू क्या करता है। चलो वो देखे इसे मैंने पकड़ा, ये बोली जा रहा है, चल जा हाँ अंदर देखते हैं क्या करता है। पहले तो राजू को ये काली मुर्गी बहुत ज़्यादा मारती थी, अब देखे दोनों की दोस्ती हो चुकी है। अब राजू ऊपर ही रहता है, जब शाम होती है वो ऊपर चला जाता है खुड़े की छत पे, यहाँ पे शाम को चला जाता है, देखे ऊपर बीठे भी है। चलो अब हम नीचे की तरफ चलते हैं, ये पकड़ के बर्तन, यहाँ पे हम बर्तन रख लेते हैं। और धूप ही देखें ऊपर चली गई हुई है, और
और आज का मौसम आप चेक करें, सुबह बारिश वाला मौसम हुआ था, इतनी तेज़ धूप निकल आई हुई है। हम दो दिन से घूमने फिरने के लिए गए हुए हैं और दो दिन से हमने एलोवेरा को पानी में डाला। जो उनसे एलोवेरा के ऊपर वाले तने होते हैं ना, वो वाले बिल्कुल सूख गए हुए हैं। अब जाके पानी डाल लेते हैं, ऐसे ना हो कल तक पूरा ही सूख जाए एंड तक। पानी मैंने पकड़ लिया है, अब वहाँ पे एलोवेरा के पास लेके चलते हैं। अभी मैं एलोवेरा के पास आ चुका हूँ, ये पानी मैंने यहाँ पर रख लिया है। अब एलोवेरा को डालते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें बिल्कुल सूखा पड़ा है ऊपर ऊपर से, देखिए बिल्कुल सूख रहा है। इन्हें अब पानी डाल देते हैं, मैंने कहा था ना कल तक ये सूख जाना है, तो ऐसे ही हो रहा है। देखें इसकी हालत क्या हो रही है। पानी मैंने सारा डाल दिया है, अब नीचे की तरफ चलते हैं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हमने स्कूल की तैयारी मुकम्मल कर ली है। यूनिफॉर्म भी उसकी जगह पर रख दिए हैं और जो उनसे बैग वगैरह है वो भी उसकी जगह पर रख दिए हैं। शूज़ भी साफ करके रख दिए हैं। इंशाल्लाह कल हम बगैर लेट हुए स्कूल पहुंच जाएंगे और अपनी यूनिफॉर्म भी बिल्कुल मुकम्मल करके स्कूल जाएंगे। तो आज का व्लॉग यहीं पे खत्म करते हैं। उम्मीद करते हैं आज का व्लॉग अच्छा लगा, वीडियो मिलेगा कल मिलेगा लोग में, तब तक ले ओके जी बाय। आखिर में भी आप कन्फर्म कर लें कि आपने लाइक सब्सक्राइब कर लिया है। अगर आपने लाइक सब्सक्राइब कर लिया तो आप तक मेरी बरकत वीडियो पहुँचती रहेगी, इस वजह से आप जल्दी जल्दी लाइक सब्सक्राइब कर लें।